माय बर्थ गिफ्ट। ये सनी देओल कहाँ से पैदा हो गए? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैं फॉर अ चेंज जल्दी उठी थी एंड इट वॉज 8:30 और 8 के अराउंड और वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कार हो गया। मतलब मैं उस टाइम पे उठना क्या मैं सोचती भी नहीं हूँ। इट हैपन बिकॉज कल आई वॉज सो टायर्ड और नींद भी पूरी नहीं थी, उसकी वजह से मुझे रात को जल्दी सोना पड़ा। हाँ, और एक और भी बात है क्योंकि शायदा इज नॉट हियर। शायदा, जिनको नहीं पता है, 24/7 मेड है हमारी, तो वो हमेशा रहती थी, वो रेयरली कहीं जाती है। तो काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे जाना ही जाना है, तो हमने कहा चल चले जाओ। वो चली तो गई, बट कल कुकू ने जो मेरी वाट लगाई है ना, ना तो वो सोता है ढंग से। शायदा तो फिर भी सो जाए, बट मेरा क्या है ना कि जब तक वो सोएगा नहीं ना, तब तक मैं सो ही नहीं सकती। मतलब वो जरा सी वो हलचल भी करता ना, मेरी आँख खुल जाती है। बट इट्स ओके, ये दिन कभी ना कभी तो आना ही होता है। दैट्स द बैक स्टोरी मेरी नींद की। मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है। हमारा जॉब ऐसा है कि हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज मैंने जमाने बाद ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन करे हैं। लग रहा हो ना मैं कितनी खुश हूँ। मतलब सुबह उठना अच्छा लगता है। जब मैं अपने घर पे भी थी, मायके थी, सुबह जो ठंडक सी होती है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। आज है 25th बाय द वे, और 25th जब आता है ना, मतलब क्रिसमस जब आता है, तो जो बेल्स बजनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 26th इज द डे, मतलब मेरा बर्थडे। ये बचपन से ये दिमाग में ऐसा होता है कि क्रिसमस आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो दुनिया ही मना रही होती है, ऐसा लगता है मेरा बर्थडे। फीलिंग सो पॉजिटिव। नींद कम है बट फिर भी आई एम फीलिंग वेरी गुड। ये रूम पे सुबह 10 बजे अंदर धूप आ रही, मैं दिखाती हूँ, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है बिकॉज हम इतना जल्दी उठते ही नहीं है। सही बताओ तो बर्थडे का कोई प्लान नहीं है। हाँ, कल मेरा अपॉइंटमेंट भी था यस मैडम से, और वो भी कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ कुकू। तो मैंने घर पे ही सोचा खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही मैंने ये आईब्रोज में एक्स्ट्रा बाल थे तो वो भी निकाले, ब्लीच करी, और या जो मतलब मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया। व्हेन यू हैव किड ना, यू विल नो, या तो फैमिली मेंबर कोई हो या फिर घर में कोई हाउस हेल्प हो, अदरवाइज नहीं हो पाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी वो इतना शैतान हो गया ना, वो सोता नहीं है। वो मतलब जब तक वो बिल्कुल थक जाता है ना, उसकी एनर्जी एकदम चली जाती है, तब वो सोता है। ठीक है, मिलती हूँ। मेरा जब नायका का पार्सल आएगा ना, तब मैं दिखाऊंगी। Much, much, much later. I'm back. I just took bath और change कर लिया है, और मेरा नायका का पार्सल भी आ गया है। इस बार मैंने बहुत कुछ नहीं मंगवाया, इसलिए मंगाई है क्योंकि नायका, if you don't know कि अगर आपका birthday month आता है तो आपको birthday gift आता है, कुछ surprise gift। याद है यार, birthday का gift भी आना था, तो उसके लिए shopping करनी पड़ती है। नायका please बिना shopping के भी भेज दिया करो। So, इस बार देखती हूँ क्या आया है। So, let's open it. Okay, so मैंने बाहर बाहर से खोल लिया है, अभी अंदर से देखा नहीं है। तो पहले जो दिख रहा है मुझे, जो मैंने मंगवाया है, एक बिल्कुल ऐसे न्यूड शेड में है, पिंकिश न्यूड। ये तो पिंक ही है, मेरे पास थी आई थिंक। दीज आर टू नेल कलर। मैं चुटपुट सामान मंगवाए हैं जस्ट टू गेट द गिफ्ट। वो मेरा हक है यार, पूरे साल में नायका से इतनी शॉपिंग करती हूँ। लेट्स सी मेरा पोपट ना हो जाए। और ये कलर बार की वेट वाइप्स है, जो एक्चुअली मेकअप रिमूवर ही है ये। सो इट्स वेरी गुड, ट्रेवल फ्रेंडली है। तो मैं जब भी कुछ मंगवाना होता है ना नायका से, तो एक्स्ट्रा में ये मंगवा देती हूँ। एंड ओके, तो मैंने मंगवाया था प्लम का बॉडी मिस्ट। This is the packaging.
ट्रैवल साइज वो वाला मंगवाया था। ये फर्स्ट टाइम मैंने सेरावे का मॉइस्चराइजर मंगवाया, बहुत ज्यादा मतलब सुनने में आ रहा था कि इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, सो मैंने कहा चलो छोटे मंगवा लेती हूँ 50 ml का। आई थिंक दिस इज दी गिफ्ट, और मेरे उससे भी मैच कर रहा है। दिस इज नाइका लाइक इट लॉन्ग मस्कारा। मेरे पास 2 से 3 मस्कारा है और वही मैं यूज करती हूँ, और आजकल मुझे अच्छा लगता है यूज करना। मैं ऑफिस में भी जाती हूँ ना तो मस्कारा लगा लेती हूँ। ओके सो दिस इज माई गिफ्ट विच इज नाइस। तो यार दिस इज माई नाइका हॉल। सबसे मेन बात तो मैं बतानी भूली गई, जो मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो मैंने ऑलरेडी ले लिया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ था, एंड दिस इज द फोन। दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट व्हिच आई हैव गिवन टू माय सेल्फ। और इसकी भी कहानी थी जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है, तो वो शॉर्ट आप देख लेना कि कैसे मैंने ऐसे इमरजेंसी में फ़ोन लिया। लेना था, काफ़ी टाइम से लेना था, इनफैक्ट बहुत टाइम से लेना था, बट वो एकदम से प्लान हुआ फटाफट। दिस इज द अपडेट and I'm so happy that I got it. A little longer than a few minutes later. Hey guys, I'm back and we are ready. So we decided ki we will go to Delhi और मम्मा से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए और वहाँ पे पता ही नहीं, मैंने काम भी चल रहा है घर में, तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि जाऊँ देखूँ कैसा काम है, मतलब वीडियो कॉल में देखती थी। काफ़ी दिन से मम्मी के गए भी नहीं, टाइम हो गया काफ़ी। क्या हुआ कुका, क्या हुआ? देखा ये तो कोई चिल्ली, देखो क्यों चिल्ला लिया, आज क्रिसमस है कुका, हैप्पी क्रिसमस। मम्मा को किच गल दो, नहीं करेगी मम्मा को किच, गुच्छा वाला किच तो खोल दो मम्मा को, नहीं। ये सनी देओल कहाँ से पैदा हो गए? पापा को देओल फैमिली इतनी अच्छी लगती है तो कोई ना कोई तो पैदा होना ही था। अब क्यों अचला है? गाड़ी की चाबी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और पंकज अभी गया है जस्ट, आई थिंक पंकज की गाड़ी है वो। हो गया ठीक, चलते हैं, वैसे ही 4 बजने वाले हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है। चले years later. हम घर पहुंच गए कुका, हम घर पहुंच गए ना, अपने घर पहुंच गए। कुकू ने बहुत परेशान किया तो हम जल्दी से आ गए, और वहां पे कुछ ब्लॉग नहीं किया यार, ब्लॉग करने का टाइम ही नहीं था। एक तो वहां काम चल रहा था, ऊपर से कुकू पता नहीं इतना रेस्टलेस हो गया वहां जाके, नींद आ रही थी क्या था। आजकल इसको टीथिंग हो रही है शायद, इस वजह से ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। इतने सारे निप्पल अपने काट दिए, इसका निप्पल लेकर आए हैं वो मैंने रख दिया अभी, अभी वो निप्पल्स वगैरह स्टरलाइज कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ओह इस बारी कुछ प्लान से नहीं हो रहा, और पहले तो प्लान कर नहीं रहे बट कुछ कर भी रहे तो वो भी नहीं हो रहा। कुछ घंटों में मेरा बर्थडे भी है, मेरा बर्थडे आने वाला है कुका, बर्थडे है मेरा, किच कर दो मम्मा को, नींद पूरी होगी ना अच्छे से तब वो किच भी कर देता है। फोन कहाँ लेके जा रहे हो, इतना महंगा फोन लिया है कुका, इसको तोड़ मत देना। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको, बाय। कुकु सुनते कहीं नहीं हो, मेरा बर्थडे, चलो इट शुड बी नेचुरल, नेचुरल। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। मम्मा को हैप्पी बर्थडे कर लो, चलो कुका किच कर दो मम्मा को, किच कर दो। कहीं से कुमार गधे पे नहीं बैठता, किच कर दो, चल लेता है। बर्थडे तो हमारे गर्जिया मतलब सुंदरखाल बनाए 3 बने, दो बाकी 5 यहाँ नोएडा विच। पहला बर्थडे शायद हम ऐसे अकेले बना रहे होंगे, है ना? तो एक्चुअली मेरे को अपने बर्थडे की ऐसे कोई वो नहीं होती कि हमें ऐसा बनाना, वैसा हम हमेशा घूमते थे ना,
तो हम निकल जाते थे। जब से कुकू है ना तब से हमको छोड़ना पड़ता है कि हम कहाँ जाएंगे कुका। चलो हमारा केक का है, का है मेरा केक कुका। गुड मॉर्निंग कुका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह खेली खेली गलोगी सारा सामान अपना ऐसे बाहर निकाल के। मम्मा को गुड मॉर्निंग तो बोल दो अच्छे से। अच्छा बिजी होला है। ये तारे जोड़ लो, सारे तारे जोड़ने हैं आपको, ठीक है। A little longer than a few minutes later. Hi guys, we are at Venice Mall. और हम Venice Mall ही आ सकते हैं क्योंकि पंकज Venice तो लेके जा नहीं सकता है ना। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। देखते हैं वो टाइम कब आएगा जब मैं Venice जाऊंगी। बट फिर हम Venice Mall से काम चला लेते हैं। मॉल तो अच्छा है बट लेट्स सी यहाँ पे हमारे लायक कुछ मिलता ही नहीं मिलता कहीं हम बैठ सके। आई लव द डेकोरेशन, यू कैन सी। कुका, कुकू नींद से उठाए, सो गया था कुका। कश्मीरी चाके लग रहा है, कश्मीरी चीके लग रही है। ये मम्मा बॉय हो गया, पापा बॉय नहीं रहा, नहीं रहा था पापा बॉय। सर्चिंग फॉर द बार, आई थिंक एक आध है यहाँ पे। लेट्स सी कहाँ मिलता है हमें बार 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 अपना घर बार जोड़ के हम बार ढूंढ रहे हैं। हम फाइनली कुकू थोड़ा सा सेटल हुआ है और वो खेल रहा है अपने बलून से। थैंक गॉड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रो रहा था तब से और अब जाके थोड़ा सा हम सेटल हुए हैं। मॉल इज़ ग्रेट, थोड़ा सा डिफरेंट मॉल है, बिल्कुल ऐसे आपको वेनिस वाली फीलिंग आ जाती है। हालांकि मैं गई नहीं हूँ। थोड़ा सा एम्बियंस अलग है, नॉर्मल जो मॉल्स होते हैं ना उस मॉल से अलग है। पहले एक बार हम आए थे, बहुत पहले आए थे आई थिंक, और उसके बाद सीधा आ जा रहे हैं कुकू के साथ। मतलब कश्मीरी कुकू है, कश्मीरी। Finally he is playing, so we are relaxed now. Venice Mall गए थे ग्रेटर नोएडा और उसका एक और रीजन था क्योंकि हमें शायद को भी लाना था। शायद को पकड़ के ले गया है कि मन नहीं कर रहा था आने का। और शायद मेरे लिए कुछ लाई भी है गिफ्ट, विच इज बिरयानी। शायद को मैंने बोला था बिरयानी लाने को,
तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है शायदा तरफ से, है ना शायदा? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना? बिरयानी खाएगी? बिरयानी नहीं, नहीं खाएगी, पापा मना कर रहा है। पापा कह रहा है कुकू नहीं खाएगा बिरयानी, कुकू डुडू पिएगा, डुडू। ओके, जस्ट क्लोजिंग द ब्लॉग हियर। सो कुकू वहां से बलून भी लेके आया है, जो भी रेस्टोरेंट में लगे हुए थे वो खेल रहा था तो वो लेके भी आ गया। सो या, सो दिस इज हाउ माई बर्थडे वेंट। सोचा बहुत कुछ था बट कुछ अलग ही हुआ। सो दिस इज हाउ लाइफ इज, जो हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, बट इट्स ओके, जस्ट बी हैप्पी, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एट द एंड। सेइंग यू बाय बाय। वो शायद आ गई है और काम में लग गई है, कट कट खट खट होने लग गई हमारे घर में। So bye, good night, see you in my next vlog, bye bye. Washroom के अंदर से पंकज bye बोल रहा है, bye.